हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हैंगिंग बास्केट में लगाने वाले कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे घर को बहुत सुंदर बनाते हैं। हैंगिंग बास्केट से क्या होता है कि हम इन्हें कहीं पर भी लटका कर अपने घर को सुंदर बना सकते हैं, लेकिन हमें हैंगिंग बास्केट के लिए जो मिट्टी तैयार करनी होती है वो नॉर्मल मिट्टी नहीं होती है, क्योंकि अगर हम हैंगिंग बास्केट में भारी मिट्टी तैयार करके लगा देंगे तो उससे फिर गिरने का डर रहता है और हमारा नुकसान होने का भी डर रहता है। इसलिए आप तब भी हैंगिंग बास्केट के लिए मिट्टी तैयार करें तो थोड़ा देख कर करें। उसमें वन पार्ट आपको मिट्टी लेनी है, वन पार्ट आपको कोकोपीट लेनी है एंड वन पार्ट आप उसमें वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। इस तरीके से अगर आप अपनी हैंगिंग बास्केट के लिए मिट्टी तैयार करोगे तो बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होंगे प्लांट और हैंगिंग बास्केट भारी होकर गिरेगी भी नहीं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे प्लांट्स के नेम बताने वाली हूँ जिन्हें आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो और अपने घर को सुंदर बना सकते हो। तो फर्स्ट नंबर पर तो मेरे सामने आप ये देख रहे हैं, इंग्लिश आईवी वाई प्लांट है। बहुत सुंदर सा प्लांट है। इसकी लीव्स देखिए, बिल्कुल ऐसी लगती हैं जैसे आर्टिफिशियल होती हैं। ये प्लांट लगता ही नहीं कि ओरिजिनल है, आर्टिफिशियल के जैसा ही सेम लगता है। इसकी लीव्स देखने में बहुत सुंदर होती हैं और ये वाइन की तरह फैलता है। चारों साइड इसकी तरफ देखिए वाइन फैलती है नीचे की साइड, जो कि हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट प्लांट है। इस प्लांट का क्या होता है कि इसमें पानी थोड़ा कम चाहिए होता है। इसमें थोड़ा कम, जब आपको लगे कि मिट्टी ऊपर की साइड से बिल्कुल सूख चुकी है, आप इसको तभी पानी डालिए। ज़्यादा पानी डालने से ये ख़राब होने लग जाता है। इस प्लांट की सबसे अच्छी बात है कि ये कटिंग से बहुत ईजी तैयार हो जाता है। अगर आप चाहते हो कटिंग से भी इसको तैयार कर सकते हो। ये प्लांट हमें सर्दी में मिलता है नर्सरी से और थोड़ा महंगा करके मिलता है, 150 के आसपास आपको ये प्लांट मिलता है, लेकिन पूरे साल चलने वाला प्लांट है। एक बार अगर नर्सरी से मिल जाएगा उसके बाद कभी जल्दी से ख़राब नहीं होगा और बहुत ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट प्लांट है हमारा, देखिए टर्टल वाइन। टर्टल वाइन हैंगिंग बास्केट के लिए सबसे अच्छा प्लांट है। नीचे की साइड इसकी इस तरीके से देखिए वाइन फैलती हैं, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। एक जंगल सा लुक टर्टल वाइन हमारे गार्डन को देता है। और टर्टल वाइन का भी यही है कि छोटी से छोटी कटिंग आप कहीं पर भी लगाओगे तो बहुत जल्दी इसकी भी कटिंग ग्रो करती हैं। और अभी देखिए इनका सीज़न है तो आप इनको तैयार कर सकते हो हैंगिंग बास्केट के लिए। टर्टल वाइन प्लांट में भी आपको बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है और इन सभी प्लांट में खाद भी आपको बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 15 दिन में 20 दिन में अगर आप इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहोगे वर्मी कंपोस्ट से या फिर गोबर की खाद से, तो उसी से ये बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। तो टर्टल वाइन देखिए ऐसा प्लांट है, आप इसे प्लास्टिक बोतल में, हैंगिंग बास्केट में या छोटे से छोटे पॉट में अपने घर को डेकोरेट करने के लिए कहीं पर भी लगा सकते हो। टर्टल वाइन की आपको 2-3 वैरायटी मिल जाती हैं। इसमें एक वैरायटी और होती है जिसके कलर अलग होते हैं और छोटी से छोटी कटिंग बहुत ईजी तैयार होती है। इसकी छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं देखने में, जो कि बहुत सुंदर सी लगती हैं और हमारे गार्डन को बहुत सुंदर सा लुक देता है टर्टल वाइन। हमें तो ये प्लांट बहुत पसंद है, ज़्यादा केयर की भी इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट प्लांट है हमारा, देखिए चैन प्लांट। तो चैन प्लांट बोलते हैं इसको, हैंगिंग प्लांट भी बोलते हैं इसको। हैंगिंग प्लांट इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हैंगिंग पॉट में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें देखिए चारों साइड से इस तरीके से इसकी जो है ब्रांचेस निकलती हैं। इसके बेबी प्लांट भी इन्हें बोल सकते हैं, इसके बेबी प्लांट निकलते हैं ये। तो इन्हें बेबी प्लांट का क्या होता है कि इनके पास छोटी छोटी रूट्स होती हैं, इनकी जड़ें होती हैं, जिन्हें अगर हम कहीं से भी मतलब मिट्टी में लगा देंगे कहीं पर भी, वहीं पर ये बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। इसका क्या होता है कि इस प्लांट में भी आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बार अगर आपको कहीं से मिल गया तो सालों साल आपके पास रहेगा और बहुत जल्दी से ख़राब भी नहीं होता है। बस थोड़ी केयर करने की बात होती है। अगर पानी कम रखोगे, फर्टिलाइज़र टाइम से दोगे तो बहुत जल्दी आपके प्लांट ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनकी छोटी छोटी रूट्स होती हैं, जिन्हें अगर हम मिट्टी में या फिर पानी में इस प्लांट को लगा देते हैं तो वहीं पर ये रूट्स बड़ा होना स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है और हैंगिंग बास्केट के लिए तो देखिए ये बेस्ट प्लांट है। इसकी बड़ी बड़ी सी पत्तियाँ होती हैं जो ग्रीन कलर की, ये देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट है हमारा पेपरोमियम। तो पेपरोमियम भी देखने में बहुत सुंदर प्लांट लगता है। इसकी भी छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं बिल्कुल, जो कि देखने में सुंदर लगती हैं और चारों साइड को हैंगिंग बास्केट में जब हम इसको लगाएंगे तो इस तरीके से देखिए चारों साइड फैलता है तो बहुत सुंदर लगता है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, उस टाइम पर ये ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा जो मेन प्लांट था इसका, वो ख़राब हो गया था, लेकिन हमने इसके मेन प्लांट से कुछ कटिंग इसमें लगाई थी। तो ये देखिए कटिंग से बहुत ईजी तैयार होता है। तो आपको लगे कि आपका मेन प्लांट अगर ख़राब हो रहा है तो आप उसमें से कटिंग लगा सकते हो। तो इस तरीके से देखिए मेरी सभी कटिंग बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी ग्रो करी हैं। तो छोटी छोटी कटिंग मैंने इस प्लांट पॉट में लगाई थी अपनी। हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। पेपरोमियम भी हमें थोड़ा महंगा ही मिलता है,
लेकिन सुंदर लगता है गार्डन में, हैंगिंग बास्केट के लिए अच्छा प्लांट है। इसमें भी बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें भी आपको कम ही पानी डालना है। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट है हमारा सिंगोनियम। तो सिंगोनियम की देखिए आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती हैं। इसकी लीव्स जो होती हैं कलरफुल होती हैं, जिसमें आपको पिंक कलर, ग्रीन कलर, वाइट कलर एंड काफ़ी सारे कलर इसके मिलते हैं सिंगोनियम के। तो सिंगोनियम प्लांट भी एक कटिंग से तैयार होता है और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर भी लगता है। इसकी बड़ी बड़ी सी लीव्स जो होती हैं चारों साइड फैलती हैं और अभी इनका देखिए सीज़न चल रहा है इन प्लांट का, तो बहुत अच्छे से ग्रो कर भी रहे हैं। तो इसकी भी सिंगोनियम प्लांट को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो और अगर आप चाहे तो इसे कटिंग से भी तैयार कर सकते हो। सिंगोनियम में भी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस 10 से 15 दिन में वही आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहना है। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट है हमारा स्पाइडर प्लांट। तो स्पाइडर प्लांट भी देखिए बहुत सुंदर सा लगता है। इसकी लीव्स चारों साइड को फैलती हैं और इसका क्या है कि इसके पास से इस तरीके से रनर निकलते हैं जो कि हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगते हैं फैले हुए। तो इसे अगर आप हैंग कर रहे हो तो इसके लिए भी वही मिट्टी बहुत अच्छी होगी जो हमने बताई है। तो ये वाला प्लांट है कि इसकी जो रूट्स निकलती हैं इसके साइड में से, इन अगर आप इसे पानी में लगाना चाहते हो तो पानी में भी लगा सकते हो। बहुत ईजी इसकी ये वाले रनर जो होते हैं तैयार होते हैं पानी में भी और मिट्टी में भी। तो हमने देखिए इसका प्लांट पानी में भी लगाया हुआ है जिसकी रूट्स बहुत अच्छे से फैली हुई हैं। एक छोटा सा रनर हमने इसका देखिए पानी में लगाया था और इसकी रूट्स देखिए कितनी अच्छे से फैली हुई हैं। तो इस प्लांट को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो, बस जिस पानी में आप लगा रहे हो उस पानी को हमें देखते रहना है, टाइम टाइम से बदलते रहना है। इसके अलावा आप इसे प्लास्टिक बोतल में, हैंगिंग पॉट में या फिर किसी भी पॉट में लगा सकते हो। बहुत सुंदर लगता है स्पाइडर प्लांट देखने में। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट है हमारा पोर्चुल का पर्सलेन जो होते हैं, ये उन्हीं की एक वैरायटी है। इन पे वाइट कलर के फ्लावर निकलते हैं बहुत सुंदर सुंदर। ये प्लांट का क्या है कि इसे आप हैंगिंग बास्केट में अगर लगाओगे तो इसके चारों साइड देखिए फूल खिलते हैं बहुत सुंदर। अभी फूल का इसका सीज़न नहीं है, लेकिन अगर अभी आप इसे हैंगिंग पॉट में लगा दोगे, इसकी कटिंग जितना मर्जी आपको अगर कहीं से एक कटिंग इसकी मिल जाए तो आप लगा सकते हो। इस तरीके से देखिए इसके फ्लावर निकलते हैं वाइट कलर के, जो कि देखने में सुंदर लगते हैं। हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट प्लांट है और सबसे अच्छी बात है कि कटिंग जितना मर्जी लगाओ बहुत इजी तैयार होता है। इस प्लांट का भी आपको बस यही ध्यान रखना है कि इसमें पानी कम ही डालना है, क्योंकि अगर इसमें कम ज़्यादा पानी आप डालोगे तो ये प्लांट जो होते हैं गलना स्टार्ट हो जाते हैं। सो नेक्स्ट प्लांट है हमारा जेड। जेड भी एक ऐसा प्लांट है जो जिसे आप हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हो और छोटी से छोटी कटिंग इसकी इजी से ग्रो हो जाती है। जेड को घर में लकी प्लांट भी माना जाता है, इसलिए आप जेड को लगा सकते हो। काफ़ी हार्डी प्लांट है, धूप में भी ग्रो कर सकता है, छाया में भी ग्रो करता है। आप इसे कहीं पर भी लगा सकते हो, काफ़ी हार्डी प्लांट है, केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस 20 से 25 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हो गया पानी में घोल कर डाल दीजिए, गोबर की खाद हो गई उसको पानी में घोल कर डाल दीजिए, उसी से ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। बोनसाई इस प्लांट की बेस्ट बनती है। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।